हाय, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 18। मल्टीप्लाई दिस मच बाय दिस मच एंड वेरीफाई द आंसर फॉर एक्स इक्वल टू 1 एंड वाई इक्वल टू 2। सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे इस एक्सप्रेशन को इस एक्सप्रेशन में, और वेरीफाई भी करना होगा कि हमने मल्टीप्लाई जो किया है वो करेक्ट है कि नहीं। और ये हम वेरीफाई करेंगे यूजिंग एक्स इक्वल टू 1 एंड वाई इक्वल टू 2 रिस्पेक्टिव वैल्यूज। ओके, तो लेट अस फर्स्ट मल्टीप्लाई। ओके, यहाँ मल्टीप्लाई करना है तो आपको पहले इसको डिस्ट्रीब्यूट करके मल्टीप्लाई कर लेंगे दोनों में। तो देखिए, यहाँ माइनस साइन है और 2x का साइन जो है प्लस है, तो ऑलरेडी माइनस आएगा। माइनस 3/2 एक्स स्क्वायर वाई क्यूब मल्टीप्लाइड बाई 2x। देखिए, यहाँ माइनस साइन है और दूसरे वाले टर्म मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस और ये भी माइनस है, यहाँ देखिए माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पर। और आपका यहाँ पर टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे 3/2 एक्स स्क्वायर वाई क्यूब इंटू वाई। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ कैंसिल आउट हो सकता है तो कैंसिल कर लीजिए, 2 × 2 और यहाँ 2 × 2, और जो बचा है उसको लिख लीजिए, तो माइनस 3/2 एक्स स्क्वायर वाई क्यूब है यहाँ पर, और यहाँ पर पावर 1 है, सो वाई टू द पावर 4 हो जाएगा यहाँ। सो हमने फाइंड कर लिया है मल्टीप्लीकेशन मीन्स प्रोडक्ट। हम वेरीफाई करना है कि ये करेक्ट है या नहीं यूजिंग वैल्यूज एक्स इक्वल टू 1 एंड वाई इक्वल टू 2। तो कैसे करेंगे, हम इसको मानेंगे लेफ्ट हैंड साइड, दिस इसको कंसिडर करेंगे लेफ्ट हैंड साइड, और ये जो प्रोडक्ट आया है इसको हम कंसिडर करेंगे राइट हैंड साइड, और इन दोनों में वैल्यूज पुट करेंगे एक्स इक्वल टू 1 वाई इक्वल टू 2 रिस्पेक्टिव वैल्यूज एक्स और वाई के, और देखेंगे कि दोनों का वैल्यू जो है सेम आ रहा है या नहीं। यदि सेम आएगा तो हम कहेंगे कि वी हैव वेरीफाइड। ओके, हमने LHS ले लिया है, तो यहाँ पर x और y की वैल्यू 1 और 2 रिस्पेक्टिवली पुट कर देंगे। सो हमने पुट कर लिया है x और y के वैल्यूज। यहाँ पर कुछ यदि कैंसिल आउट करने लायक है तो उसको कैंसिल कर दीजिए। देखिए 2 × 2 और यहाँ से एक पावर कटेगा तो यहाँ 2 हो जाएगा पावर, ठीक है, क्योंकि इसमें 2 में यहाँ पर 3 पावर है, तो 2 जो है 3 टाइम्स यहाँ पर मल्टीप्लाई हुआ है, तो एक 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मिलेगा 2 × 4, यहाँ पर 4 हो जाएगा, 4 × 1 × −3 मीन्स 4 × 3 = 12, −12 मिल जाएगा फाइनली, ठीक है। यहाँ सॉल्व करेंगे तो इंटू, यहाँ सॉल्व कर लेते हैं ब्रेड के अंदर, 2 × 1 करेंगे तो 2 ही रहेगा, −2, ओ माय गॉड, ये तो 0 हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया, 2 − 2 = 0, सो −12 × 0 = 0। तो आपका LHS आ गया है 0, तो हमें RHS भी 0 आना चाहिए। चलिए वैल्यू पुट करते हैं और देखते हैं RHS आपका 0 आ रहा है या नहीं। तो हमने यहाँ पर RHS ले लिया है और x और y की वैल्यू पुट करते हैं, −3x³ means 1 cube into y³ means 2 cube plus 3/2 into x² means 1² into y²² means 2 to the power 4। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, 2 क्यूब करेंगे जब तो 2 × 4 = 8 आएगा, ठीक है, और 1 क्यूब करने पर तो 1 ही रहेगा, तो यहाँ पर 8 जो आया, 8 × 3 = 24 कर देंगे, मीन्स −24 मिल जाएगा पहला टर्म यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। प्लस यहाँ सॉल्व करने के लिए पहले 2 से कैंसिल आउट कर लीजिए, 2 × 2 और यहाँ से 2 × 2 = 4 है यहाँ पर, तो 1 × 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 क्यूब हो जाएगा, और यहाँ 2 का क्यूब करेंगे तो मिलेगा 8 और 1² की वैल्यू 1 ही होती है, तो 8 × 3 = 24 मिल गया हमें, −24 + 24 दोनों अपोजिट वैल्यूज हैं, सो दीज विल बी कैंसिल्ड आउट और आपको मिलेगा लड्डू। ओके, तो हमने देख लिया कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो वी हैव वेरीफाइड। तो आप नीचे लिख सकते हैं वी हैव वेरीफाइड, हैंस वेरीफाइड। यदि आपको ये अच्छा लगा वीडियो तो आप लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को, अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में जरूर कुछ ना कुछ लिख दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।